हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द रिवाइंड चारू में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रीडिंग की शुरुआत में ना यूनिवर्स से प्रार्थना किया करो, यूनिवर्स से ना मनी मन क्वेश्चन किया करो। जब भी आप पार्टनर का ध्यान करते हो ना उस टाइम पे यूनिवर्स को बोला करो, यूनिवर्स मेरा मन कहता है कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, मुझे क्लैरिटी इसी रीडिंग से मिलेगी। या ऐसा भी जरूरी नहीं कि मेरा मन कहता है बोले, आप ये भी बोल सकते हैं यूनिवर्स मेरे मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे मन को बहुत परेशान कर रही हैं। आपको वो सवाल मैं आप ऑलरेडी जानते हैं वो मेरे मन के सवाल क्या है। मैं चाहूंगी या मेरी इच्छा है कि आप इस रीडिंग के जरिए मुझे वो सवाल के जवाब दे दें। तो आपको ना, आप जब इस तरह करेंगे ना, यू विल सी द चेंज। आप सडनली एक ही रीडिंग में बहुत सारी क्लैरिटी रिसीव करेंगे। आपको नोटिस होगा कि जो मन में सुबह से आपको बॉदर कर रहा था, परेशान कर रहा था, या रात को जिस चीज़ को सोच सोच के आप परेशान हुए, एनजाइटी लिए है, वो सडनली आपको लगेगा कि अरे उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई, एक तरीके से यूनिवर्स के प्रॉपर मैसेज मिल गए। तो इस तरीके से ना ये रीडिंग आप लोगों से रिजोनेट ज्यादा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पार्टनर का ध्यान किया करो और प्रार्थना किया करो। साथ ही साथ ये रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए, जो सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या जिनके पार्टनर उनसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे, वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस आने वाले इन 30 दिनों में, लाइक अक्टूबर के पूरे महीने में क्या रहने वाली है। ये स्पेशली मैं इस वजह से बनाने जा रही हूँ जिन लोगों की राशि वगैरह नहीं है, अब जिनके पास अपना राशिफल नहीं है, वो राशिफल के अनुसार देख नहीं पा रहे हैं, या जिन्हें कलेक्टिव टाइमलाइन ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा एक्यूरेट लगती है, तो ये उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप में से कुछ लोग ना मुझे बार बार कमेंट करते हो कि मैरिड लोगों के लिए है क्या, सिंगल के लिए है क्या, अफेयर वालों के लिए है क्या। वीडियो सबके लिए बनाई जाती है। ठीक है, आप बस सेपरेशन में है या नो कॉन्टैक्ट है या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये स्थिति आप ही के लिए है, वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, बाकी यस, यूनिवर्स से प्रार्थना करके अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति की नेक्स्ट 30 डेज में इनके लिए ट्रू फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, केल्टिक क्रॉस मेथड यूज करने जा रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता हो केल्टिक क्रॉस मेथड जो है हम लोग डीप एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की भावनाएं आप लोगों के लिए क्या होंगी और क्या क्या डीप में जान सकते हैं, कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत अपसेट है, करंट एनर्जी में बहुत ज्यादा अपसेट होती हुई एनर्जी दिख रही है। करंट एनर्जी में रिप्रेजेंट हो रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओवर थिंकिंग है बहुत ज्यादा उनके अंदर, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि वो किसी स्थिति से इस वक्त खुश नहीं है, कुछ है जो उनकी लाइफ में उन्हें बॉदर कर रहा है और ये आपसे रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। ये व्यक्ति अभी इस समय किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप देख सकते हो। स्पेशली लेट नाइट थॉट्स हैं ये इनके, जहाँ पे लेट नाइट में ये बहुत ज्यादा अपसेट होते हुए, लो फील करते हुए, आपको लेकर बार बार गहरे सोच विचार में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी इनको क्या बॉदर कर रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, फाइव ऑफ वॉन्स, इन्हें आप में बदलाव देखने को मिल रहा है। इन्हें लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आपके अंदर का ग्लो, आपके अंदर का अट्रैक्शन, या आपके अंदर का बिहेवियर या पैटर्न कुछ बदल सा गया है। आप कहीं ना कहीं बहुत चेंज्ड, बहुत ज्यादा बदलाव से लाइक ऐसा लग रहा है जैसे आप में इतने सारे परिवर्तन आ गए, जो देख के उनको ऐसा लग रहा है कि यार डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है, जो आप उन्हें बता नहीं रहे हो। आप पे शक करते हुए, आपको लेकर पजेसिव होते हुए, आपको लेकर एक डर लगता हुआ कि यार ये इंसान की लाइफ में डेफिनेटली कोई और है, ये मुझसे छुपा रहा है, ये इंसान मुझे बताना नहीं चाहता, या ये इंसान ऐसे दिखा रहा है कि अरे मैं तो तुम्हारे बिना कितना रो धो रहा हूँ, पर इस इंसान की लाइफ में 100% कोई और व्यक्ति है, किसी और से बात कर रहा है, किसी और से जुड़ा हुआ है। इस तरीके की एनर्जी इनके अंदर एक ऐसा आता है, एक तरीके से डर इन चीज़ों को लेकर, एक तरीके की रेस्टलेसनेस है, सो नहीं पा रहे, आराम नहीं कर पा रहे, हेल्थ इनकी बार बार खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है हेल्थ। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 10 of Cups विद एस ऑफ पेंटिकल, आपने अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, नई लाइफ की शुरुआत, इन्होंने अपनी फैमिली और अपने बाकी प्रायोरिटीज को चुना था आपको छोड़कर, इन्होंने दूसरों को चुन लिया, इन्होंने दूसरों को मौका दिया, दूसरों को बहुत वैल्यू किया, दूसरों को पैम्पर किया। इन्हें लगा आपसे निकल जाना बड़ा आसान है, आपके रिश्ते को भूल जाना आसान है, आपने बहुत ज्यादा तकलीफें सही है इसके रिटर्न में, ऐसा नहीं, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और ईजी थी। जस्टिस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि कर्मा, इन्होंने पहले खुद की प्रायोरिटीज चेंज कर ली, आपको छोड़कर दूसरों को वैल्यू देना शुरू कर दिया, अब आप भी बदल गए, आपने भी चेंजेस ले आए। आपको लगा जब सामने वाला अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी बदल सकता है तो मेरी भी प्रायोरिटीज बदलनी चाहिए। जब वो इंसान को सही लगा तो उस इंसान निकल गया या वो निकल गई, तो अब मुझे भी हक है कि मैं अपनी जिंदगी को खुलकर जीऊं, हैप्पी रहूं। मतलब मैंने क्यों इतना मातम की एनर्जी में रहना है, मुझे क्यों रोना धोना है। तो आपने एक स्विच अपनी लाइफ में लाया हुआ है जो जस्टिस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अब बहुत ज्यादा देखते देखते
रोते रोते थक गए हैं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर ऑब्स्टेकल मेजर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप अपने आप को बदल रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, आप थक चुके हो, आप हार चुके हो, और इसके लिए कहीं ना कहीं अब आप इनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखते। आपने सोचा कि चलो अब इस इंसान ने अपना जो है थॉट्स बदल दिए, तो चलो मैं भी अपने थॉट्स बदल देती हूँ, जब इसकी प्रायोरिटी में, इसकी इंपॉर्टेंस में इसके लोग हैं, इसके अपने इसके लिए महत्वपूर्ण है, तो मेरी जिंदगी में फिर मैं इस इंसान के पीछे क्यों भाग रही हूँ या क्यों भाग रहा हूँ। सडनली आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ये व्यक्ति अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको लगा आपको छोड़कर आगे बढ़ना बड़ा ईजी है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं या फैंटेसाइज कर रहे हैं, बार बार इनको आपका ध्यान बहुत ज्यादा आ रहा है। देखो कहने में ना आपको ये लगेगा कि ये रीडिंग में तो बार बार आ रहा है कि ये लोग मेरे को बहुत मिस कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं, पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आपके पार्टनर ने ना कुछ गलतियां की है पास्ट में, ठीक है, ये गलतियां कहीं ना कहीं, एक सेकेंड ना मैं इस लाइट को बंद कर देती हूँ, नहीं तो मुझे ये लाइट की वजह से ना कार्ड नहीं दिख रहा है। Yes. इन गलतियों के वजह से ना, आई होप नाउ आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो, क्योंकि लाइट का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ना आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिख रहे थे। सो ये गलतियां ना इन्होंने कुछ ऐसी करी हैं जिसके वजह से ही ये व्यक्ति आपके पास नहीं आ रहे। अब गलतियां मतलब क्या, मैंने जैसे कि सबसे पहले ही बताया, पास्ट में ना इस इंसान ने अपनी प्रायोरिटीज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदल ली, इसे लगा अब आपसे फायदा नहीं है तो भाई वो आपके साथ क्यों रहे, आपके लिए क्यों इतना वो मेहनत करे। लाइक बेनिफिट की बात थी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई आप लोगों के बीच में या जो भी इन्होंने किया, वो अपनी मर्जी से अपनी कन्वीनियंस से इनको जैसा ठीक लगा ये बदल गए। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये इंसान की मुझे जरूरत है, ये इंसान, क्योंकि बहुत से लोग ना मुझसे ये सवाल करते हैं कि दीदी अगर ये इंसान मुझे मिस कर रहा है तो ये इंसान मेरे लिए इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा है। भाई किस मुंह से लेंगे, पास्ट में इस इंसान ने जो आपके साथ किया, मुंह दिखाना इतना आसान है क्या, वो आपको क्या आके बोलेगा या क्या आके बोलेगी कि फलाने ये रीजन से मैंने ये किया। थप्पड़ नहीं जड़ दोगे आप उसको कान के नीचे कि ये फलाना फालतू के एक्सक्यूजेस दे रहा है मुझे आकर, गाली निकलेगी, गुस्सा आएगा कि ये क्या बर्ताव है, या तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, मेरे मूड स्विंग्स होंगे ना तो भाई तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी, तो वो वाली आपकी एनर्जी भी रहेगी ना, आप बोलोगे क्या समझ के क्या रखा है, हल्के में ले रखा है, ऑब्वियसली आप सामने वाले को खरी खोटी सुनाओगे। ये इंसान को मालूम है ना कि डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, किस मुंह से आएगा या किस मुंह से आएगी, इस इंसान के लिए क्या ये आसान हो सकता है। समझो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस और कलेश आप लोगों के बीच में हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं इनका मेजर रोल रहा, ना ये परिवर्तन से गुजरते ना ये इतने सारे चेंजेस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें जो ठीक लगा, अपना सेफ होना लगा कि चलो मैं सेफ हो जाऊं, मैं खुश रहूं, भाई मेरे को सडनली मेरे परिवार वाले अच्छे लग रहे हैं। देखो रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले ना इन्होंने कुछ नहीं सोचा, आपसे प्यार भरी बातें की, आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया, अरे अरे मतलब ऐसा दीवानापन दिखाया, बट जब बात आई स्टैंड लेने की, चलो मैं बोलती हूँ एक इंसानियत के हिसाब से ही स्टैंड ले ले, प्यार व्यार गया साइड में, एक इंसानियत दिखाकर एक इंसान ये दिखाए कि चलो मैंने तुम्हारा स्टैंड लिया, तुमने मेरी इतनी केयर की है जिंदगी भर, तुमने मेरी इतनी वैल्यू की है, मेरा काम बनता है कि मैं तुम्हें इक्वल रिस्पेक्ट दूँ, इक्वल तुम्हारे लिए जो है इक्वालिटी में मैं तुम्हें एक बैलेंस्ड अच्छी लाइफ दूँ, और कुछ ना सही मैं तुम्हें ज्यादा नहीं दे सकता तो कम से कम मैं तुम्हें समझाऊं, अच्छे से बात करूं एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह। और अगर एक दो बार मैंने बात करके देख लिया और तुम सामने वाले जो है तुम सुनने को समझने को तैयार नहीं हो, तुम इमेच्योर हो रहे हो, तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो, देन इट्स फाइन कि ठीक है भाई अब नहीं हो रहा तो चलो। पर इन्होंने क्या किया, क्विक डिसीजन, कौन माथा पच्ची करे, कौन एफर्ट डाले, कौन इतना झंझट करे, तो उन्होंने सोचा कि चलो निकल जाते, अपनी कन्वीनियंस से निकल गए। और अब जब आपके अंदर वापस वो फायर और पैशन आ चुका है, तब इस इंसान को लग रहा है कि अरे भाई मैंने तो गलती कर दी, ये तो चमकता सितारा और मैं यहाँ पे किसी बासी फूल के सामने जाकर बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ, अब ये चमकता सितारा मैं कैसे अपनी जिंदगी में वापस लाऊं। अब इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, क्या पॉइंट है, मतलब ये तो वो हो गया ना। मुझे पता है बहुत पहले की बात एक याद आती है, जब ये सीन मैं देख रही हूँ ना आपके पार्टनर का, तो बहुत पुरानी एक बात याद आती है, मेरे स्कूल टाइम में ना, आप लोगों को हंसी आएगी ये बात, स्कूल टाइम में ना मैं थोड़ी सी टॉम बॉय रही थी बहुत ज्यादा, पर मुझे एक लड़का पसंद था, मैं थी तो लड़कों जैसी काफी ज्यादा, लेकिन मुझे एक लड़का पसंद था, वो लड़के ने ना मुझे कभी भाव नहीं दिया, मैं उसको ना खाना वाना लंच दे देती, अब बच्चों वाला प्यार जो होता है स्कूल वाला प्यार वो अलग ही होता है, तो मैं उसे लंच बॉक्स देती, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा पानी वानी लेकर जाती, मैं उसे बड़ा पसंद करती थी, उसके स्टाइल, उसका उठना बैठना मुझे अच्छा लगता था, वो बंदा मुझे ना बहन बोल देता था बार बार बहन, क्योंकि उसको समझ में आता था, लड़का था, वाइफ थी, उसको समझ में आता था कि शी इज इंटरेस्टेड। और ऑब्वियसली उस टाइम पे तो मैं दिखती भी ऐसी थी, मैं टॉमबॉय टाइप की थी ना, मेरे में बैठने का सेंस था, ना उठने का सेंस था, ना खुद को चमकाना आता था, लड़कों वाले कपड़ों में उठना बैठना रहता था मेरा, ठीक है। सो ऐसे में ना कोई भी लड़का तुम में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो उस स्कूल टाइम में ना मैं करीबन 2 साल तक, हम बचपना रहता है क्रश हो जाता है तो हम पढ़ जाते हैं ना, 2 साल तक उस बंदे के लिए मैं बहुत ज्यादा, मेरा होमवर्क होता था उसका उसका नहीं होता था, तो मैं अपनी किताब उसको देके खुद पनिशमेंट्स लेती थी, मार खाती थी टीचर से, तो ऐसा मेरा दीवानापन था।
2 साल तक मैं उसके पीछे ऐसी थी, पर उस इंसान ने मुझे हमेशा बहन 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 बोला। ये तक हालत हो गई थी कि एक बार तो भाई साहब रक्षाबंधन के दिन आ गए और बोले मुझे राखी बांध दे। भाई मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब होता था कि यार मैं तुझे पसंद करती हूँ, यहाँ पे मुझे तुझे सैया बनाना है, तो मुझे भैया बनाने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ही ना स्टुपिडिटी होती थी, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं फोन करती थी तो इग्नोरेंस मिलती थी, क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं ना, हम कोई चतुर चालाक नहीं होते, हम भी बेवकूफ होते, हम सब ने बेवकूफियां करी है। तो उस टाइम मैं ऐसे फोन करती थी, ये बंदा मुझे भाव नहीं देता। अब क्या हुआ, जैसे पिक्चरों में होता है ना वो गाना है ना, तुमसे मिलके दिल का है जो, वो वाला हाल कुछ मेरी जिंदगी में भी हुआ था। मेरी मदर जो है भाई साहब, मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स से कम नहीं, गजब की सुंदरता है उनमें, गजब से अपने आप को मेंटेन किया है, पर्सनैलिटी आज भी देखोगे बोलोगे माँ तो किसी एंगल से नहीं लगती। तो उन्होंने जो है आफ्टर स्कूल, उन्होंने एक एक डिसीजन लिया था कि भाई तुझे आफ्टर स्कूल जो है मुझे चमकाना है, क्योंकि तू दिखती बड़ी अजीब सी है और तुझे ठीक करना पड़ेगा, तू मेरी बच्ची है, तेरा नाम मेरे मेरी तरह ही होना चाहिए। तो उन्होंने आफ्टर स्कूल मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना पॉलिशिंग का काम करना था, निखारने का काम मेरी माँ ने किए, उपटन ये वो जो भी उस टाइम पे रहता था। मैं करीबन 1 साल के अंदर ही काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी थी, और कॉलेज डेज में तो ऐसा था कि बड़े बड़े प्रपोजल्स आते थे मुझे। तो अब ये कहानी मैंने आप लोग को जो बताई उसमें अभी एक और कंक्लूजन में ऐड करती हूँ, जहाँ जो इस इंसान से रिलेटेड है। अब क्या हुआ, उस टाइम के बाद 1 साल बाद में बड़ी सुंदर हो गई, सेम बंदा जिसको जिसके मैं पीछे भागती थी वो अचानक से एक रोड पे मुझे टकराता और मुझे आकर बार बार पूछता है तू भारतीय है ना, तू भारतीय है ना, तो मैं अरे हाँ मैं भारतीय हूँ। अब उस लड़के का नाम होता था करण, मैं आज आप लोगों को बड़े खुल के बता रही हूँ, क्योंकि वो बंदा मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, सालों निकल चुके, काफी सालों निकल चुके। उस बंदे का नाम था करण, तो ही यूज टू बी दैट पर्सन, तो मुझे पसंद था, तो मैं उसने हाँ भाई मैं भारतीय हूँ, ही यूज लाइक मुझे नंबर देना अपना, तो भी एक्सचेंज आर नंबर। उसके बाद भाई साहब मेरे पीछे ही लग गए, दीवाने ऐसे हुए कि मुझसे शादी करने तक की बातें। अब बहुत ही पैसे वाले घर का, बहुत ही सही बंदा, देखने में पर्सनालिटी वाइज सब अच्छा, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट किया। रीजन, अब आप लोग सब उस रीजन को जानते हो। प्रॉब्लम ये थी, बंदे ने मेरी सीरत नहीं मेरी सूरत से प्यार किया। मुझे बुरा इसी बात का लगा, घमंड इस बात का नहीं था कि अभी बहुत सारे ऑफर्स हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि भाई सीरत से क्यों नहीं प्यार किया, मेरा दिल तो सेम ही था ना, मेरा दिल तो तब भी वही था अब भी वही है, बात तो अहंकार की थी ही नहीं। बात सिर्फ ये था कि अगर मैं सुंदर कल इन फ्यूचर नहीं रही, चलो मान के चलो 50-60 के बाद मेरी सुंदरता खत्म हो गई, तू तो भाई मुझे भूल जाएगा, तू तो मेरे साथ नहीं रहेगा, तू जिंदगी के साथ चलने वाला व्यक्ति है ही नहीं, तू तो कन्वीनियंस के हिसाब से कल मेरे को कुछ हो गया, मेरी स्किन को मेरी बॉडी को, तो तुम तो भाई बैकआउट कर जाओगे, तो ये प्यार कैसा प्यार, ये प्यार को तो मैं मानूंगा। तो उसके दीवानेपन को, उसके रोने धोने को, उसने इतनी मिन्नतें की मैंने शादी के लिए हाँ नहीं, चाहे जो हुआ। अब ये कहानी जो आप लोगों के सामने है वो क्यों है, उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर ठीक वही कर रहे थे, अपनी कन्वीनियंस से ये व्यक्ति आपके साथ रुके, फिजिकल इंटिमेसी बनाई, अपने फायदे उठाए, शायद फाइनेंशियल हेल्प ली, सब कुछ किया। जब आपसे काम नहीं बना, आपसे वो केयर नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिली, आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, घर पे बात कब करोगे, शादी कब करोगे, या लेट्स से कि तुम्हारी फैमिली में तुमने क्या सोचा है, फ्यूचर का क्या सोचा है, बहुत सी चीजें आपके माइंड में आई होंगी जो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट की, आपने जब इनको ट्रिगर किया, प्यार से बात करके समझाने की जगह ये व्यक्ति पतली गली से निकल गए, और अब इन्हें चाहिए कि ये वापस आए। अब ये वापस आने का सोर्स जो है, आप लोग अगेन मैं समझा रही हूँ आपको कि वो किस मुंह से आएंगे, आप भी नहीं जा पाएंगे, अगर आपने भी कोई ऐसी गलती करी तो आप भी नहीं जा पाएंगे। उस टाइम पे एक तरीके से उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको हर्ट किया, जब साथ देना था उस वक्त इन्होंने आपका स्टैंड ही नहीं लिया। और अब जब आप में वापस वो फायर और पैशन आ चुका है, वापस वो आग आपके अंदर जागरूक हो चुकी है, ग्लो आ चुका है, आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फायर आपके अंदर की दिख रही है। अब इन्हें आपसे बात करनी है, अब इनके दिमाग में चल रहा है कि आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, मुझे बात करनी बात करनी बात करनी, बट आपको बात करनी है। क्वेश्चन यहाँ पर अब आता है, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ गई और यूनिवर्स क्या दिखा रहा है, जस्टिस, यूनिवर्स बोल रहा है ये इंसान यही डिजर्व करता था या यही डिजर्व करती थी, क्योंकि इस इंसान को तुम्हारी अहमियत ही नहीं पता थी। और मेरे बच्चे, जब मैं तुझे इस इंसान से अलग कर रहा था ना, तू रो धो रहा था, तू मुझे ही कोस रहा था, पर मुझे पता था ना ये व्यक्ति तेरी वैल्यू कर ही नहीं रहा है। आज जब फिर से तेरी पदवी बढ़ गई, आज जब तेरा ग्लो बढ़ गया, आज तेरे अंदर वापस वो चमक आ चुकी है, तू खुश रहने लगा, तू खुश रहने लगी, अब इस बंदे को वापस तू चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चंस खड़े होते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, कि आपके पार्टनर अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, उन्हें अब लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है, शायद आप उससे भी बेहतर, क्योंकि अब उनको ना आपके प्रति अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन का कार्ड, रोमांस का कार्ड, लव का कार्ड है। लवर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 6 शुक्र, शुक्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटिमेसी। आप देख रहे हो दो दो बॉडीज हैं यहाँ पर जो एक दूसरे से लिपट रहे हैं, एक दूसरे से लिपट रहे हैं, सामने वाला आपके लिए, आप उनके लिए, एक दूसरे के लिए लिपटते हुए एनर्जी। ये व्यक्ति को अब वो वापस चाहिए, बिकॉज वाई, अगर देखो
स्त्री हो या पुरुष, दोनों सूरतों में आप अट्रैक्टिव हो गए, आप में कुछ तो ऐसा है जो मैग्नेटिक हो गया, जिससे ये व्यक्ति अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पर इन्हें लग रहा है आपकी जिंदगी में तो शायद कोई और आ गया है, आपके ग्लो का कारण ही जो है कोई संतूर का सोप नहीं है, आपके अंदर के ग्लो का कारण कुछ गड़बड़ है, कोई तो बंदा है, कोई तो बंदी है आपकी जिंदगी में आया जो चमक लेकर आया आपके चेहरे पे। दीदी इनको हमारी चमक का पता कैसे चल जाता है? हो जाता है भाई, हो जाता है। जैसे माँ को अपने बच्चे के दुख और सुख का पता चल जाता है ना, ठीक वैसे ही प्यार में भी है। जब आप किसी इंसान से कनेक्टेड हो, 6 महीने 1 साल के लिए भी कनेक्टेड हो, वो इंसान की सोल आपसे जुड़ जाती है। जब आप खुश रहने लगते हो ना, समवेयर कुछ ना कुछ चीजें ऐसे घटित होती है कि सामने वाले को एहसास हो जाता है, सामने वाले को पता चल जाता है। आपके अंदर की खुशी छुपती नहीं, आपके अंदर की रोशनी छुपती नहीं, कोशिश कर लो नहीं छुपेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर को, ये गलतफहमी इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग गलतफहमी है, इन्हें लगता है बड़ी 100% आपकी जिंदगी में कोई और है। बट आपकी जिंदगी में सच में कोई और है क्या? ये तो आप ही ज्यादा जानते हैं, हो सकता है आप किसी को सच में डेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपसे बात करना चाहते हैं, चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों में पैचअप हो जाए। अब मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, उन सभी लोगों से जो लोग जेन्युइनली यूनियन चाहते हैं और झूठ में, सिर्फ झूठ में मुझे दिखाने के लिए या मेरी पब्लिक को दिखाने के लिए ये लिख देते हैं कि अब आजा बट मैं अब तुझे नहीं अपनाऊंगी जस्ट बिकॉज दी ने ऐसा बोला है। यार अगर तुम्हें जेन्युइनली यूनियन चाहिए ना, तो तुम्हारा इस एटीट्यूड के साथ तो कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे लिखने से ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं भाई, तुम्हारे मन में जो है ना वो कुछ और है। तुम्हारे मन में तुम तड़प रहे हो उस इंसान के लिए, तुम चाहते हो उस इंसान के लिए, क्योंकि तभी तुम इस रीडिंग को देख रहे हो, वरना तुम्हारा और कोई पर्पस नहीं है। अंदर मन ही मन तुम अपने आप से कितना झूठ बोलोगे, तुम भी जानते हो कि तुम्हें भी ये इंसान वापस चाहिए अपनी जिंदगी में, राइट? तो ये ना ड्रामे मत करो कमेंट्स में कि अरे आई डोंट केयर दिस अबाउट दिस पर्सन। मैंने ऐसे बड़े कमेंट्स पढ़े हैं जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि भाई फिर तुम क्या कर रहे हो इस वीडियो पे, क्योंकि तुम ये अगर मुझे बोलोगे ना दी मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए आ रही हूँ, आई डोंट बिलीव दिस, क्योंकि तुम अपने अंतर मन में ना ये जानना चाहते हो कि ये इंसान आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर इस बात को समझो कि तुम्हें भी इस इंसान की जरूरत है, इसीलिए उल्टी सीधी चीजें जो तुम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो उसे जाने अनजाने मैनिफेस्ट मत करो। दिल से लिखना सीखो कि हाँ भाई चाहिए, भाई आना चाहिए, पर ये चीज लिखने की बात नहीं, क्लेम कर लिया करो इस एनर्जी को कि भाई ठीक है आई क्लेम दिस एनर्जी। क्लेम का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्स मुझे ये चीज मालूम है, विश्वास है, ये हो गया है, ये होने वाला है, मुझे गारंटी है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। लेकिन उसकी जगह तुम क्या गलत लिखते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम अपने लिए अपनी लाइफ को वो कर रहे हो ना। वो देखो पॉजिटिविटी फैलाओगे, पॉजिटिविटी अच्छी बातें करोगे, लोग आपसे अच्छी बातें करेंगे, बुरी बातें करोगे, बुरी बातें फैलाओगे, जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ना। तो अच्छा बोलना सीखो, अच्छा देखना सीखो। हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है आने वाले 15 दिनों के अंदर आपके पार्टनर खुद को बहुत ज्यादा अकेला और बहुत ही टूटा हुआ व्यक्ति मानेंगे। उन्हें लगेगा उनकी जिंदगी में जीने का अब कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, उनके जीवन में अब रोशनी नहीं रही, उनकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसको लेकर वो खुश हो जाए। अंदर ही अंदर आपके पार्टनर खुद को तोड़ते हुए, अंदर से अपसेट होते हुए, बहुत ज्यादा लो फील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको सबोटाज करके अपनी गलती के बारे में सोच रहे हैं कि यार मैंने जल्दबाजी में इस इंसान को जो है अपनी जिंदगी से निकाला और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी मैंने ये की है। रिग्रेट, सर पकड़ते हुए अनजाने में जल्दबाजी में इस इंसान ने झटके से आपको अपने से अलग किया, झटके से उल्टी सीधी बातें करी, उल्टी सीधी चीजें हो गई, और अब इस इंसान को लग रहा है कि यार ये तो मैंने बहुत जल्दबाजी में हास्टी डिसीजन ले लिया, पर इस इंसान की मुझे जरूरत है, अब मैं इस इंसान के पास जाऊं तो जाऊं कैसे, अकेलापन तो है, लाइफ में रोशनी नहीं, हैप्पीनेस नहीं, पर अब मैं करूं कैसे, क्या करूं, क्योंकि मैं खुद तो जाना मेरा पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूं। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आसपास जो है बहुत से लोग इनके अराउंड पॉजिटिव हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत लोग इनकी मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार वालों का समर्थन मिल रहा है, इन्वेस्टर या पार्टनर मिल रहे हैं, हेल्पिंग हैंड है, आसपास सपोर्ट है, ये भी लोगों की मदद कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक आसपास सराउंडिंग में है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो इनकी जिंदगी में सब कुछ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स और इश्यूज चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें इनकी लाइफ में फिलहाल अच्छी ही चल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं चल रही। आने वाले 30 दिनों में ये व्यक्ति बहुत ही गहरे सोच विचार और अकेलेपन से गुजरेंगे, जहां पे इन्हें लगेगा कि यार सब कुछ खत्म हो रहा है और ये इंसान मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय अकेले रहने की जगह अलावा। 8 of Cups की एनर्जी इनके फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्हें डर लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लोगे, अब इन्हें डर लग रहा है, ये फियर है, ये ऑब्स्टेकल है, ये फियर रिप्रेजेंट कर रहा है इनके अंदर की होप्स एंड फियर। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये उनके अंदर की डर की एनर्जी है जो उन्हें परेशान कर रही है।
कि अरे आप मूव ऑन कर लोगे तो वो क्या करेंगे, उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लोगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट, बहुत सारे आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और सेल्फ डाउट से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लारिफाई करें। नेक्स्ट 30 डेज में इनकी तरफ से मुझे एक्शन नहीं दिख रहे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग नो एक्शन एट ऑल, विच इज वेरी ऑब्वियस। हम इसमें नया क्या देख रहे हैं, एक्शन ले ही नहीं रहे हैं आपके पार्टनर, बट सच में अभी तक एक्शन नहीं दिख रहे आपके पार्टनर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, सब राशियों की साइन है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं राशि बताओ राशि बताओ, आई डोंट नो आपकी राशि बताने से क्या ही बदल जा रहा है। रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है, इस बात को समझो। जो हाईलाइटेड होती है वो सिर्फ हम शेयर करते हैं, उसके राशि से कोई ऐसा उसका कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। सो ऐसा तो क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं मेरे बंदे की तो एरीज नहीं है, तो हो सकता है तुम्हारी बंदे की कुंडली की लग्न में एरीज था, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें मेष राशि का मालूम नहीं। हो सकता है तुम्हारे बंदे की कुंभ राशि जो है, जो मैं बोल रही हूँ अगर कुंभ राशि, तो हो सकता है वो उसके राइजिंग साइन में या उसके जो है सन साइन में कहीं और क्रिएट हो रहा है, आपको क्या पता। यू आर नॉट गेटिंग दिस, ठीक है। राशि के बेस पे ना इतना ज़्यादा वो ऐसे बावले नहीं हो जाना है, ठीक है। हाँ, वो राशिफल जो अलग से करते हैं वो एक अलग बेटर हो गया, वो तो फिर आपके अनुसार कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। सो राशियां जो स्ट्रांगली मिली है, टॉरस मिली है, एरीज मिली है, सजिटेरियस मिली है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज्यादा मिली है। नंबर्स जो मिले हैं, नंबर 5, नंबर 24, नंबर 8, नंबर 6 बहुत ज्यादा मिले हैं यहाँ पर। अब लेट्स सी, मैं सेवन ऑफ पेंटिकल का क्लारिफिकेशन ढूंढ रही थी, यूनिवर्स मुझे बताया सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लारिफाई करें। उन्हें लग रहा है कि उनका इतना ब्यूटिफुल रिलेशनशिप जिसमें इतना टाइम और एफर्ट दिए, वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल, मेरे सारे एफर्ट जाया जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, बट हाउ, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। मनी मन प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, मनी मन फील कर रहे हैं कि यार ये इंसान मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, आपके पास आना है, बट किस मुंह से आए। नाइन ऑफ वॉन्स, रिजेक्शन का डर, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, अब ये आपको किस मुंह से देखें, किस मुंह से आपके पास आकर खड़े हो जाएं। कहीं हर्ट थोड़ी ना होना है भाई, बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है अपनी, खुद अपनी मर्जी से गलतियां करके दिल दुखा के आपके तरफ से आगे बढ़ गए, अब किस मुंह से वापस आएंगे। इस सन, इन्हें रियलाइजेशन आ चुकी है कि आप इनके सब कुछ हैं, तो अगले 30 दिनों के अंदर आपके पार्टनर एक स्ट्रांग रियलाइजेशन से गुजरेंगे, जहां उन्हें लगेगा कि आप ही के वजह से उनकी जिंदगी में रोशनी थी और अब आप जा रहे हो उनके हाथ से, सब कुछ खत्म होने वाला है। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब देर हो चुकी है, अब लेट हो गई है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। पेज ऑफ वॉन्स, हैंगमैन, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने वाले ना, बातें बहुत सुन ली है मैंने अब तक, बट अभी तक अगर यूनिवर्स पे फेथ नहीं कर पाए ना, तो मजाक ही चल रहा है आप लोगों का। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं ना मेरे सामने आकर कि एक साल से मैं वेट कर रही हूँ, दो साल से मैं वेट कर रही हूँ। वेट ही तो नहीं करना है, 50 बार यही तो बात बोल चुकी हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, वेट क्यों कर रहे हो, तुमको किसने बोला वेट करने के लिए। तुम लोग रीडिंग्स देख रहे हो, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग वेट करोगे। हाँ दीदी, मैं 7 दिन तक देखता हूँ वो आती है कि नहीं आती, फिर मैं बताऊंगा आपको। भाई तेरे को किसने बोला वेट करने के लिए, मैं तो 50 बार यही रीडिंग में बोल रही हूँ, वेट नहीं करना है। समझ क्यों नहीं रहे हो, बहुत आसान सी बात है, यूनिवर्स पे सब छोड़ दो। आज तक यूनिवर्स ने ही आपका भला किया है, यूनिवर्स के दम पर ही आज आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हो। आपके हाथ में एक मोबाइल आप लोगों ने अफोर्ड किया ना, वो मोबाइल वो लैपटॉप यूनिवर्स के दम से है, वो आपकी अपनी से कोई नहीं है। हम इंसानों की ना कोई हस्ती या औकात नहीं होती, यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है सबसे बड़ा होता है, ब्रह्मांड से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता, ये बात को समझ। जब सब कुछ उसने दिया तो उस पर इतना तो भरोसा रखो ना, वो तुमसे बाकी चीजें क्यों छीनेगा भाई। इस रिलेशनशिप में एडिक्शन कायम मत करो, अगर एडिक्शन हो रहा है तो अपनी हीलिंग पे काम करो, अगर एंजाइटी हो रही है तो अपनी हीलिंग पे, क्योंकि तुम हील्ड नहीं हो, ये इसके वजह से हो रहा है। मैंने अपने वर्कशॉप्स में भी इसको एक्सप्लेन किया है, तुम हील्ड नहीं हो, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन तुम हील्ड हो तो तुम्हें किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो सकती। पेज ऑफ वॉन्स, यूनिवर्स कह रहा है ब्रिंग द फायर इन यू, अपने अंदर की आग को वापस लाओ, जो तुम खो चुके हो, अपना एक वजूद, अपने आप को ना बैठ के जरा याद करो, उस पुराने वक्त को, उस वक्त को नहीं जिसमें आप लोग दोनों एक दूसरे में टूट कर पागल हो रहे थे, प्यार करने के लिए दीवाने हो रहे थे, वो वाले वक्त को याद करने को नहीं कह रही हूँ। उस वक्त को याद करो जब आप बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रहे, जब आप मस्तीखोर थे, आपकी देखने की उठने की चाल ढाल सब कुछ अलग थी, जब आप में कुछ बात थी,
बात इस इंसान में कभी नहीं थी, हमेशा आप ही में कुछ चमत्कार और मैजिकल चीजें थी, बट आपने कभी नोटिस किया ही नहीं, हल्के में ले लिया। आपको लगता है इस इंसान के आने से जिंदगी में रोशनी और मैजिक क्रिएट होगा? नहीं, मैजिक आपके अंदर है, बस उस मैजिक को वापस लाने की जरूरत है। यूनिवर्स कह रहा है ब्रिंग द फायर बैक इन यू, अपने अंदर की आग को वापस जगाओ। दिखाओ भाई, किसी से कम थोड़ी ना है, अपने पे आ जाते हैं ना भाई। बड़े बड़ों को हमने छोड़ भी दिया और बड़े बड़े को हमने कदमों में भी लाया है अपने। हम उस तरीके की पर्सनालिटी है, हल्के आदमी नहीं है, ठीक है? अपने आप का जोश वापस लाओ, ठीक है? सो ब्रिंग द फायर इन यू, स्टार्ट हीलिंग। हीलिंग आप जो है जितना हो सके अपने ऊपर हीलिंग का काम करो। हीलिंग आपको किसी से करवाना नहीं पड़ता, वो आप खुद करते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जितना हो सके उतना अपने पे काम करो, खुद को एक बेहतर व्यक्ति बनाओ, अपना व्यक्तित्व अच्छा करो। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी नेक्स्ट 30 डेज के लिए अक्टूबर मंथ की, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आप लोगों के सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।